उसका एक नंबर है, हम लोग मोदी जी चाहते हैं। हाँ लोग कहते हैं कि 15 साल नीतीश कुमार का राज रहा, 15 साल जनरल राज रहा, अभी परिवर्तन क्या है? अभी मोदी को चाहिए, मोदी को चाहिए। अभी ये जो नल जल योजना था मोदी जी के अंतर्गत ही है, ये तो मतलब नीतीश कुमार खराब पार्टी है। अच्छा पानी जरा पानी आता है का? पानी नहीं आता, पानी नहीं आता है। अच्छा सब्जी महंगा हो गया, सब्जी महंगा तो कम कम क्या होता है, खाने वाला जो कोई दिक्कत नहीं, जो कोई दिक्कत नहीं। जो लोग कहते हैं महंगे लोग की सरकार है, अमीरों की सरकार है, कुछ नहीं, सबका ही एक है, मोदी सबको एक, हिंदू या मुसलमान या गरीब सबका काम एक है, मोदी को है एक नंबर आदमी है। जुड़े एशियन टाइम्स के साथ, राघव गुप्ता के साथ और सीतामढ़ी के तमाम छोटी मोटी खबरों को देखने के लिए एशियन टाइम्स। हम कुछ और लोगों से बात कर रहे हैं, हमारे पीछे बहुत सारे। नाम क्या आपका? क्या करते हैं? बादाम बेचते हैं, मतलब क्या सर पे जो रख के बेचते हैं, रोज के कितने कमा लेते हैं आप लोग? तो मत जरा पहले कितने कमा लेते हैं और आज जब पेंडेमिक है कोरोना काल, कितने कमा लेते हैं? 50 रुपए के जी आलू है, अगर आपको आपके घर में अगर 1 केजी आलू और 50 रुपए का घर परिवार चल पाएगा? कहते हैं बिहार में बाहर नीतीश कुमार की सरकार, जो लोग 50-100 रुपए रोज के कमाते हैं वो सही से खाना नहीं खा पाते हैं, और ऐसे में क्या बिहार, क्या सीतामढ़ी विधानसभा चाहेगी कि वैसी सरकार हो जो 50 रुपए पर डे का कमाती है? 50 रुपए तो शायद हमारा फोन का रिचार्ज नहीं होता है। अगर हम 250 रुपए की बात करें तो हमारे एक रिचार्ज का 250 रुपए लगता है, 250 में हम एक महीना नहीं वो भी 28 दिन की सुविधा मिलती है, और यहाँ लोग 50-100 रुपए कमाते हैं। तो सीतामढ़ी में किसको विधायक रखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री के माध्यम से देखिए, जो भी पार्टी हो, जो भी मतलब पार्टी कोई, मतलब कोई भी आदमी हो, प्रधानमंत्री चेहरा अगर मिलेगा तो वोट देंगे, वोट दिखा करके मोदी जी के कुछ योगदान के बारे में क्या बताऊंगा? योगदान तो इस भारत के लिए इतना है जो जितना अगर वर्णन किया जाए वो कम पड़ जाएगा। आज तक जो है कि 70 बरस से विवादित या हजारों बरस से विवादित राम जन्मभूमि को सुधार करती है, राम जन्मभूमि बनाती है, 370 हटा करके हमारे देश का स्वतंत्र कर दिए, झगड़ा को मिटा दिए। आज जो है कि सबों के हितों में काम कर रहे हैं, सब जितने जो है वो व्यवसाय का लोग है, जितने जो है किसान आए हैं, विकास सबको ही एक समान देख रहे हैं, क्या जाए हम तो कहते हैं कि एक एक जनता को एक एक मूल्य वोट जो है कि प्रधानमंत्री के माध्यम से ही जो है कि जो खड़ा हो जाए उन्हीं को वोट दिया जाए, क्योंकि वो ऐसे ही शख्स है कि जो है कि अपने देश के बारे में नहीं विश्व को बारे में सोच रहे हैं, विश्व को बारे में सोच रहे हर प्राणियों के जो है कि चिंता करते रहते हैं कि एक प्राणी हमारा देश का जो कि भूखा ना रहे और वस्त्रहीन ना रहे, तो उन व्यक्ति के लिए हम लोगों का अगर पूरा देना पड़े, हम लोग का उम्र भी देना पड़े, तो हम दे सकते हैं। अब आप कह रहे हैं देश को भी देना पड़े, दे सकते हैं जो लोग अल्पसंख्यक हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, हमारे हित की बात नहीं करते, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनका सोच गलत है, वो
सरासरी झूठ बोलते हैं। क्या अनाज जो है कि सिर्फ हिंदुओं का दिए हैं? क्या मुहर्रम को नहीं दिया है? क्या ये रुपया जो है कि दिए हैं गैस का जो की मदन से पैसा दिया गया है, क्या वो जो है कि उनको नहीं दिए हैं? नहीं, उनको नहीं मिला है। क्या एक जो है कि एक अनारसी के माध्यम से वो कह रहा है कि हमको भगा देगा? अरे ऐसा बताइए, इसका सोच गलत है या नहीं? अनारसी एक माध्यम है कि क्योंकि नागरिकता चाहिए। अरे आज ये नागरिकता नहीं है, नागरिकता ये सब दिनों सा है। आज क्या बता दें, ये तो जो है कि हम देखे जब से अपनी लाइफ में होश संभाले हैं तब से नागरिकता होता है, और जनगणना के माध्यम से अब जो है कि जाना माना जाता था। लेकिन आज जो है कि लोग कहता है कि अनारसी लगा दो या फिर रहने वाले व्यक्ति किसी का जो है कि हित के काम न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये झूठ मूठ का जो है कि ये गलत पर जो है आरोप लगाया जाता है। अच्छा, आरोप लगाया जी विधायक आप एक रेशियन टाइम तक साथ हम मधुबनी मौजूद हैं। विधानसभा चुनावी यात्रा के दौरान बहुत सारे लोग हैं जो कि बताना चाह रहे कि भाई मोदी जी दोबारा आने चाहिए, मोदी जी का सरकार बनना चाहिए, बिहार में क्यों बनना चाहिए। वो भी कहते हैं कि उनका कतरा तक दे देंगे, अगर ज्ञान भी देना पड़े तो मोदी जी के लिए दे देंगे। नाम क्या चीज आपका? हमारा नाम हुआ सुरेंद्र राम। अच्छा, मतलब कि अभी क्या सब चला, क्या कर रहे हैं आप आजकल? अभी हम घर में बैठे हुए हैं, विकलांग है, घर में बैठे हुए हैं। हमारा पहले पैसा है, कौड़ी है, न दवा दारू मिला। हॉस्पिटल में गए तो कहता कि कोरोना हो गया हुआ है। लोग गांव के लोग सही समाज हॉस्पिटल में गए थे, सरकारी हॉस्पिटल में। हाँ, अच्छा, जिलाधिकारी कह रही है कि भाई हर जगह जांच होता है कोरोना का, घर घर कोरोना का जांच करने आते हैं, फिर हॉस्पिटल में चले गए। उस घड़ी नहीं था यहाँ जाँच। अच्छा, हाँ, बात तो ऐसा था कि पिंटू बाबू के डेरा पर गए शांति नगर। अच्छा, यहाँ से इलियास ले गया। हाँ, यहाँ से इलियास ले गया। जब ये देखा तो उठ करके भीतर भाग गया, एक मरतबे आवाज न किया। जिसके लिए फर्स्ट वोट गिराए हम। अच्छा, जो व्यक्ति ने की मोहल्ला भर में देखिए, जो व्यक्ति नहीं कहीं चलने वाला है उसको रिक्शा पर बैठा करके हमने अपना पॉकेट से पैसा खर्चा करके रिक्शा वाला के भाड़ा दे करके वोट गिरवाए हुए है। वोट में खराबी हमारे साथ जारी किया, आज खाने लायक नहीं। हाँ, इतना तक नमक हरामी किया है कि उसको डेरा पर गए है, उठ करके भीतर भाग किया है। जो कि इलियास है, नूर मोहम्मद है, बहुत से साल लेबर है, मगर डेरा में भाग किया उठ करके। चप्पल पहन करके आप ये ना चल रहा है, ना खाली चल रहा होगा, थरथरा देता है, मुझे थरथरा देता है। ये चाचा है, इनके कहने हैं कि सीतामढ़ी का वही सांसद जो पूर्व में पर्यटन मंत्री रह चुका है और सीतामढ़ी का विधायक रह चुका है, ऐसे सांसद जिनके पास अगर ये जाते अपनी तकलीफ सुनाते तो वो सांसद शायद भाग खड़ा होता है। क्या आपको भी ऐसा नेता चाहिए? अगर ऐसा नेता चाहिए तो भाई आप ही कमेंट कीजिए, अगर ऐसा नेता नहीं चाहिए तो कमेंट कीजिए। चर्चा कर दे भाई, इनका पैर में दिक्कत है, सांसद महोदय क्या गया, वो भाग गया, वो कोई मदद नहीं किया। अब कैसे चलता है तो ऊपर वाला है, लोग गांव के लोग भी बहुत मदद हमको किया है। ऐसा परिस्थिति है, हमको कोई ज्यादा जमीन नहीं है, न किसी से मांगना है चुनाना। गांव के लोग भी बहुत मदद किया है हमारा, बस्ती का, बस्ती के लोग अगर नहीं मदद किए हुआ था तो हम फुका जाते रोड पर। अभी लगभग 1.5 लाख 2 लाख रुपया हम पर सर पर कर्ज हो गया। लोग के बाबू दादा कह करके पैसा लेकर के किसी ढंग से खा करके हम समय गत कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे में जब लोग सरकार कुमार आपके विश्वास है कमल साहब से बटन दबाएंगे तो मिथिलेश जी आपको मिलने आएंगे? कहाँ से मिलने आएगा? बस्ती में कोई झांकी पारने आवे नहीं करता है कि कभी भी रिकॉर्ड नहीं है कि कोई नेता आता है जल्दी रिकॉर्ड झांकी पारने। हम मिलबे करेगा, पूरे देश के लिए मरा है, पूरे देश के लिए एंटी पार्टी किसी से नहीं किए हैं। जैसे ये नेता लोग जो आता है एंटी पार्टी का करके जाता है, पब्लिक के लड़ा देता है, वो कौन सी किया है? किसी को लड़ाया है? नहीं लड़ाया है, ऐसा तक किया है वो। आज हम पैरालिसिस में मर रहे हैं, मगर हमको कोई नेता आया है? नहीं आया है।
कोई नेता आया है नहीं देखने के लिए। मोदी लाइए, मोदी लाइए, बिहार में भी पूर्ण बहुमत भाजपा का लाना। क्या कर दीजिए, मोदी के लाइए, देश के बचाइए। घर घर मोदी, मोदी घर घर मोदी। मोदी जो कर दिया कोई नहीं आज तक ले किया है न करेगा। मोदी ने दम जायजा कर दिया सबको, गरीब अमीर सब एक। राशन मिल रहा है, मट्टी तेल मिल रहा है, चावल मिल रहा है, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, और कथी मिले राशन मिला, बहुत सुविधा मिल रहा है। ये बोलिए ना, मटिया चल रुपया भी दिए है, चार साल से सब काम कर किया हुआ, वृद्धा पेंशन तो नहीं सुरेंद्र राम को ऑनलाइन भी करा दिए, दौड़ते दौड़ते वीडियो किया तबाह हो गए हुए हैं, नहीं किया है अभी, नहीं चार साल हो गया, साढ़े चार साल हो गया है अभी तक ले, एक विकलांग होते हुए मैं ऑफिस बोला उसमें दस काम तबाह हो गए। कौन सा ऑफिस में जा रहे हैं, ब्लॉक में, ब्लॉक में वीडियो के पास, वीडियो के पास। हाँ लेके काटेगा विधायक यहाँ क्या कि नहीं आप अभी कोनो विधायक नहीं चिन्हा कहता है कि नहीं कुछ वहाँ विधायक है नहीं चिन्हा, नहीं चिन्हा, नहीं चिन्हा। हमको पता रहेगा, हम अनपढ़ के मारे हैं, हमको पता रहता है हम कहाँ कहाँ भगवान ने विकलांग होकर के खत्म हो गया, तेल लेके कथी करवा बिहार में सरकार लोगों का कहना है ग्राम कहते हैं भाई अगर या फिर हम भूखे रहे नमक रोटी खाएंगे लेकिन फिर भी मोदी को जिताएंगे, यही बात है लोग यही कहना है, लोग कह रहे हैं अगर मोदी देखना ये है लालू का लाल या फिर